अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज नई रेसिपी लेके मैं हाजिर हुई हूँ। इसके लिए मैंने ये अदरक और लहसुन लिया है, दो लहसुन लिए मैंने, ये थोड़ी सी अदरक ली है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं ज़्यादा रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने ये आपको भी दिखाई है। तो इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बाकी जो सब्ज़ी में मैंने ली है, कद्दू और करेले लिए हैं, तो अभी यही काट के मैंने रखे हैं। तो बाकी जैसे जैसे मैं बनाऊँगी आपको साथ बताऊँगी। तो अभी मैं सबसे पहले पीस लेती हूँ अदरक और लहसुन, तो आपको फिर मैं बताती हूँ साथ साथ। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जो लहसुन और अदरक था ये मैंने पीस लिया सारा। तो दाल को मैं सबसे पहले तड़का लगाऊंगी। उसके लिए ये जो मसाले लिए मैंने, कुटी हुई मिर्च और मिक्स मसाला लिए, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था दाल में। तो साथ में मैंने छोटे चम्मच जीरे के लिए, सबसे पहले मैं ज़ीरा डालूँगी तेल में। ज़ीरा है जो मैंने तेल में थोड़ी देर के रोस्ट कर लिया, तो अभी इसमें मैं एक चम्मच लहसुन और अदरक भी डालूँगी। लहसुन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें मसाला शामिल करूँगी और थोड़ी देर के लिए भूनूँगी अच्छे से। मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है, अभी मैं इसको दाल में डाल दूँगी। तो ये हमारी दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अभी मैं आप सब्ज़ी बनाने लगी हूँ वो दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं हमारी दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये मूंग की दाल है, चावल बॉईल करूँगी तो उसके साथ मैंने थोड़ी सी पतली पतली बनाई है। सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, उसे काट के हल्का हल्का ब्राउन कर लिया। तो अभी मैं इसमें करेले डालूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं अब ये जो करेले मैंने डाले हैं उनको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। बाकी जो सब्ज़ी मैं डालूँगी वो कद्दू हैं, आलू। आलू मैंने दो काट लिए हैं बारीक बारीक, आप देख सकते हैं। तो दो टमाटर लिए थे वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। लहसुन और अदरक भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो जो मसाला डालूँगी वो ये कुटी हुई मिर्च, नमक और मिक्स मसाला लिए मैं। करेले हमारे हल्के हल्के ब्राउन हो गए, अभी मैं इनको निकाल लूँगी। दो चम्मच जो मैंने डाल दिया उसमें लहसुन और अदरक, इसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए टमाटर शामिल कर लूँगी। लहसुन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, अभी मैं इसमें मसाले शामिल कर लूँगी। मसाला वो हल्का सा मैंने भून लिया, तो अभी मैं इसमें आलू और कद्दू डाल लूँगी दोनों। आलू और कद्दू मैंने शामिल कर लिए, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इनको भून लूँगी अच्छे से। तो सब्ज़ी मैंने एक मिनट के लिए अच्छे से भून ली है, तो अभी मैं इसमें जो टमाटर मैंने ग्रेन किए थे वो शामिल कर लूँगी और फिर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी ताकि ये जो टमाटर मैंने पानी है इसमें ये गल जाए अच्छे से। सब्ज़ी से पानी खुश्क हो चुका है, तो अभी मैं इसमें करेले शामिल कर लूँगी। करेले मैंने शामिल कर लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इनको भून लूँगी अच्छे से। तो ये फिर हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो मैं बनाऊँगी, मेरे पास थोड़ी सी ग्रेवी है वो बनाऊँगी, तो साथ में थोड़ी सी चिकन ली है वो बनाऊँगी। ये जैसे बनाऊँगी मैं आपको साथ में बताऊँगी। हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी थी, तो मैंने ये भी थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल लिया, इसमें एक चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का डाल लिया, इनको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी। लहसुन और अदरक हल्का सा हो चुका है, अभी मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, तो उनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। ग्रेवी में ये मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया है, तो अभी मैं ग्रेवी शामिल कर लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने डाल लिया, तो अभी चार से पाँच मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, फिर उतार लूँगी इसको। ये देख सकते हैं 5 मिनट तक के लिए मैंने कलेजी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अभी मैं इसको उतारूँगी। इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया सरसों का, और जो बचा हुआ लहसुन अदरक था मैंने इसमें शामिल कर लिया, थोड़ी देर के लिए मैं भून लूँगी अच्छे से। चिकन में मैंने थोड़ा सा नमक लिया, तो अभी मैं इसमें चिकन शामिल कर लूँगी। हमारा लहसुन हो चुका है, थोड़ी देर के लिए मैंने लहसुन को भून लिया था, लहसुन हो चुका था, अभी मैंने इसमें ये चिकन डाल दिए, थोड़ी देर के लिए चिकन को अच्छे से भून लूँगी। हमारी चिकन अच्छे से होगी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से गला लिया था, तो थोड़ी देर तेल में मैंने इसको फ्राई कर लिया,
और मैं इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डालूँगी। तो एक चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस डाली है, मैं एक मिनट के लिए भून के फिर इसको उतार लूँगी। तो फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी जो फाइनल लुक है। ये देख सकते हैं हमारी डिश की जो फाइनल लुक है वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है अच्छे से। तो मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद थी, जो सब्ज़ियाँ मैंने वही इस्तेमाल की, आप लोगों के पास जो मौजूद है आप वही शामिल करें, इस्तेमाल करें। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी जो बन के तैयार हो चुकी है। तो चलें जी, दुआ में याद रखें, दुआ सबके लिए किया करें। हमारे रेसिपी अगर अच्छी लगती है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।